उनके फिनिशेस बटोर रहे हैं। देखिए मुझे स्काउट की टीम देख के ना वो टॉपर याद आ गया जो कहता था यार मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने पढ़ाई नहीं की और टॉप कर जाता था। स्काउट आए और उन्होंने बोला यार कुछ नहीं यार फन का है, फन का है। और यहाँ पे 5 टोटल फ्रैग्स वो टीम निकाल चुकी है और मात्र एक खिलाड़ी उन्होंने गवाए। एक बढ़िया ग्रेनेड हो सकता है, सामने खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, डाउन किया जाएंगे। जी हाँ, अल्फा मोटा भाई डाउन किए गए आदित्य के उस ग्रेनेड से, डेंजर उनको भी डाउन किया गया कर्स गॉड के द्वारा। अभी प्ले जोन के बाहर डाउन एक और ग्रेनेड आदित्य का, शैडो भी डाउन किए जाएंगे और इसी के साथ अल्फा मात्रा आखिरी खिलाड़ी के साथ फाइनल बॉस। कितना दूर तक लेके जा पाएंगे, बट एक और ग्रेनेड का और इसी के साथ पूरी टीम अल्फा मोटा भाई की इस मुकाबले से बाहर। एक आर्टिफिशियल रेड जोन सा बना दिया, बैक टू बैक नेट की वर्षा यहाँ पे हुई और सारे प्लेयर्स को खत्म करा। गन का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी वहां पे मेजी, सिर्फ नेट्स और मॉलोटोव्स के साथ अपने अपोनेंट्स को खत्म करा। मान्या भी यहाँ पे नॉक कर दिए जाएंगे, उनकी टीम भी जोन के अंदर आने की कोशिश कर रही है नॉर्दर्न आइलैंड से, जो इतना आसान तो होगा नहीं। सरकार बहुत देर से मैं देख रहा हूँ इस प्ले ने डैमेज बहुत दिया है, भले ही फिनिश उनको केवल एक मिला है, बट अब उनके सामने एक कड़ी चुनौती बिकॉज टीम स्काउट इज लुकिंग रियली गुड। 11 टोटल फ्रैग्स हैं उस टीम के पास, 11 टोटल फ्रैग्स हैं। जब ओवरऑल स्टैंडिंग आएगी तब देखना यह है कि कितने बदलाव हमें होते हुए नजर आएंगे, बट सरकार हमेशा हमने इस खिलाड़ी की बात की है, देखना यह है कि आज जब जरूरत है उनकी टीम को प्लेसमेंट पॉइंट की, फिनिशेस की कितना निकाल पाएंगे। रेस गॉड उनका साथ बेहतर मिला, 3 टोटल फ्रैग्स उन्होंने भी निकाले हैं। सरकार एक और ग्रेनेड, बढ़िया ग्रेनेड वो हो सकता है रैंडम ही सही, बट नहीं थोड़ा सा नीचे गया आदित्य सरकार बहुत ओपन में आ गए और इसी के साथ उनकी टीम का भी सफाया, बट टीम स्काउट आज रुकने के कोई भी मूड में नहीं। 13 टोटल फ्रैग्स, 13 फिनिशेस ये टीम निकाल चुकी है और कोई भी आसपास देखने को नहीं मिलता। जोन देखिए आधा पानी में और आधा जमीन पे, बट सबसे करीब अगर कोई टीम है वो है टीम स्काउट, बट उनके खिलाफ यहाँ पे बाकी टीमें भी, अगर आप देखें जोन के अंदर जाने की कोशिश यहाँ पे करी जरूर जा रही है, बट एंटो की ये टीम एचपी नहीं है, प्लेयर्स के पास मुझे लगता नहीं इतने ज्यादा अब इक्विपमेंट भी बचे हैं, इतनी ज्यादा लूट बची हुई है क्योंकि कोई हील नहीं कर रहा अभी के लिए, बूस्टर शायद लगा दिया गया है जोन के अंदर जाने की कोशिश, बट स्काउट का जो फ्लैंक है जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो यहाँ पे आ रहा है। तमिल गेमर्स को यहाँ पे नॉक करा जाएगा आदित्य के द्वारा, सब एक दूसरे को कवर दे रहे हैं लाजवाब तरीके से टीम स्काउट खेलती हुई इस कॉम्पिटिशन के अंदर। कोऑर्डिनेशन टॉप नॉच, स्काउट जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो सारी इन्फॉर्मेशन आदित्य को यहाँ पे देते हुए दिखाई देंगे। स्काउट एक और इन्फॉर्मेशन उन्होंने पास की होगी, जी हाँ उन्होंने पास की, बट स्काउट वो खुद उठेंगे। यहाँ पे एलीट एक्स को डाउन किया गया, बट अभी भी बाकी दो खिलाड़ी मौजूद हैं, गैलेटी सामने मौजूद है, एक और स्काउट डाउन हुए आदित्य, उनको वहां से एंगल थोड़ा सा कवर पर एटलीस्ट उनको देना चाहिए था, बट पुकार बचा कुछ काम खत्म करते हुए लेटर उनको भी डाउन किया गया, बट एंटो उठेंगे, स्काउट को डाउन किया, अभी भी दो खिलाड़ी मौजूद, बट आदित्य उनसे आप किस तरीके से बचेंगे, वो खिलाड़ी नहीं रुकने वाला। 7 टोटल फ्रैग्स इस खिलाड़ी के पास, आदित्य रैंप पे जाते हुए एक के बाद एक बैक टू बैक फिनिशेस निकालते हुए टीम स्काउट लुक एट द फिनिशेस दे गॉट, एकदम से पहली बार खेले सैनोक का मैच, इतना आसान नहीं होता मेजी, बट एक विनर विनर चिकन डिनर के साथ खत्म करा उन्होंने खेल। 18 टोटल फ्रैग्स उनके साथ हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो टीम स्काउट ने फिनिश कार्ड का भी इस्तेमाल किया था। फिनिश कार्ड